गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए धमाकेदार मुकाबले में किलर मिलर की भी धमाकेदार पारी देखने को मिली। कप्तान पांड्या की पारी ने तो सभी का दिल जीता और युवा खिलाड़ी अभिनव मनोहर ने भी खूब रन बनाए, लेकिन डेविड मिलर ने जो आखिरी के कुछ ओवरों में रन बरसाए वो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेविड मिलर यानी किलर मिलर का बल्ला चलना यानी बाकी टीमों के लिए शामा दाना। आप सभी को बता दें कि IPL 2022 ऑक्शन में डेविड मिलर पर पहली बार में किसी ने दाव नहीं लगाया था। दूसरे दिन दोबारा आने पर गुजरात टाइटंस ने उन्हें लिया था और अब साउथ अफ्रीका का यह बल्लेबाज इस भरोसे पर भी खरा उतरा। डेविड मिलर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में महज 14 गेंदों में 31 रन की आतिशी पारी खेली और गुजरात को 4 विकेट पर 192 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। मिलर ने कप्तान पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए महज 53 रनों की पार्टनरशिप की, वो भी 25 गेंदों में। इससे गुजरात की टीम मजबूत स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही आखिरी तक। जो एक रहता है फिनिशर की भूमिका, वो पांड्या और डेविड मिलर दोनों ने अच्छे से अदा करी, लेकिन इसमें भूमिका डेविड मिलर की थी। डेविड मिलर की पारी के 16वें ओवर में बैटिंग के लिए उतरे थे अभिनव मनोहर। 28 गेंदों में 43 रन की पारी खेलकर आउट होने के बाद वे आए और उन पर पारी का शानदार ढंग से फिनिश करने का जिम्मा था, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदें आराम से खेली, अपने आप को सेट होने का समय दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने गियर बदलने की कोशिश की। इसके बाद दूसरा ही मैच खेल रहे कुलदीप सेन उनके निशाने पर आ गए। जरा सी लेन और लेंथ में भटके कुलदीप सेन, उसके बाद गेंद तो बाहर दिखी। इस गेंदबाज ने 19वां ओवर फेंका। इसकी दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोरा। अगली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए रवाना कर दिया और फिर 2 रन भी दौड़ पड़े। जी हां दोस्तों, अगली गेंद पर मिलर के बैट से एक्स्ट्रा कवर के पास से चौका गया तो आखिरी गेंद पॉइंट के बगल से बाउंड्री में दाखिल हो गई। इस तरह 19वें ओवर से ही 21 रन बटोरने में कामयाब रही गुजरात टाइटंस की टीम। जो स्कोर सब चाह रहे थे कि 20 ओवर तक 180 रन बने, वो अब 19वें ओवर में 180 रन के करीब पहुंच चुका था। तो आपको बता दें कि किस तरीके से 19वें ओवर में जो 21 रन मिले वो डेविड मिलर का ही कारनामा था। वे 2 गेंदों में 1 रन बना सके, लेकिन तब गुजरात ने 190 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इस तरह मिलर ने बढ़िया अंदाज में पारी को समाप्त किया। IPL 2022 में डेविड मिलर को ज़्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने छोटी लेकिन अहम पारी खेली। राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने 30, नाबाद 20 और नाबाद 6-12 रन बनाए थे। आपको बता दें 20 गेंदों में 30 रन बनाए थे। और उसके बाद आपको बताएं, डेविड मिलर को गुजरात टाइटंस ने सीज़न 3 करोड़ रुपये में अपने साथ लिया था। ऑक्शन के पहले दिन उन पर किसी ने दाव नहीं लगाया था, तब कई लोगों ने हैरानी भी जताई, मगर दूसरे दिन जब मिलर का नाम सामने आया तो टीमों के बीच होड़ मच गई इनको लेने के लिए। गुजरात और राजस्थान के बीच खासकर उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए थी। आखिरी में गुजरात ने ही बाजी मारी। इस सीज़न से पहले अगर बात करें IPL की मेगा ऑक्शन या ऑक्शन में किस किस टीम के साथ खेल चुके हैं, तो 2 बार राजस्थान का हिस्सा रह चुके हैं डेविड मिलर 75-75 लाख के बेस प्राइस पर, और पंजाब किंग्स के साथ 12.5 करोड़ में 2014 से इन्होंने शुरुआत करी थी और 2019 तक इन्होंने पंजाब किंग्स की टीम के साथ जुड़े हुए थे। फिर पंजाब किंग्स ने रिलीज़ किया तो राजस्थान ने खरीदा, और इस सीज़न राजस्थान खरीदना चाहती थी लेकिन 3 करोड़ में गुजरात टाइटंस की टीम ने ही खरीदा, और अब राजस्थान के खिलाफ ही रन बनाकर टीम को एक बेहतरीन जीत दिलाई। भले ही हार्दिक पांड्या की 87 रनों की पारी, लोकी फर्ग्यूसन और यश दयाल की 3-3 विकेट चटकाने की गेंदबाजी के दम पर टीम मैच जीतने में कामयाब रही, लेकिन अगर आखिरी के ओवर में इतने रन नहीं बनते तो शायद स्कोर इतना नहीं पहुंचता। और जैसे जॉस बटलर ने शुरुआत में 24 गेंदों में 54 रन की पारी खेली तो चेस करना भी राजस्थान के लिए आसान हो जाता। तो किलर मिलर की ये पारी शानदार रही, हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच बने। टीम 37 रन से मुकाबला जीतकर टेबल टॉपर बन चुकी है, नंबर 1 पर आ चुकी है समय गुजरात टाइटंस की टीम। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की